हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरियस प्रोविजंस ऑफ सीपीसी रिलेटिंग टू द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स के जुरिडिक्शन्स से जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं सिविल प्रोसीजर कोर्ट के आज हम उनको देखेंगे द प्रोविजंस ऑफ द सीपीसी पी एज़ द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट हैज़ बीन डेल्ट अंडर सेक्शन नाइन एंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी यानी सेक्शन नौ में है और सेक्शन पंद्रह से ले कर बीस तक कोड में दिए गए हैं विच मे बी समराइज एज फॉलोज पहला सेक्शन नाइन में क्या कहता है द कोर्ट शैल हैव जो टू हियर ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट द सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड कोर्ट सभी तरह के सूट्स को सुनने जो कि सिविल नेचर के हैं उनको सुन सकता है उनके ऊपर जो रिडिक्शन उसका होगा जब तक कि एक्सप्रेसली या एम्प्लाइडली उसको रोका नहीं गया है बार नहीं किया गया है दूसरा बात है एवरी एवरी स्यूट सेल बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट हर सूट को जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट होगा और कॉम्पिटेंट होगा साथ ही साथ उसको ट्राई करने के लिए वहाँ पे वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा तीसरी बात सब्जेक्ट टू द पिक्योनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ स्यूट्स विल बी इंस्टीट्यूटेड वे द सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड जहाँ पर भी सब्जेक्ट मैटर का लोकेशन होगा सिचुएशन होगा वहीं पर स्यूट इंस्टीट्यूट होंगे साथ ही साथ ये डिपेंड करेगा पिक्योनरी और अदर लिमिटेशंस पर भी इसी में सब पॉइंट्स में अगर हम देखें तो पहला सब पॉइंट कहता है कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इस तरह से आप इसको समझिए कि पहला तो है कि अगर सूट रिलेटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी से जैसे कि ज़मीन है जायदाद है और उस पर रेंट या प्रॉफिट्स हो या ना हो दोनों ही केस में दूसरी बात स्यूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी तो जहाँ पर प्रॉपर्टी लोकेटेड होगी वहीं पे ही सूट फाइल होंगे तो सूट अगर पार्टीशन का है इमोबल प्रॉपर्टी में तब भी उसी जगह पे जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है सब्जेक्ट मैटर मतलब जहाँ पे प्रॉपर्टी है वहीं पे उसका सूट का इंस्टीट्यूशन होगा दूसरा सूट फॉर फो क्लोजर सेल रिडम्पन इन केस ऑफ मॉर्टगेज अगर मॉर्टगेज होना है इमोबल प्रॉपर्टी का तो भी सूट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट ऑन इमोबल प्रॉपर्टी तो भी सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमोबल प्रॉपर्टी इमोबल प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत कर दिया और उसका कंपनसेशन चाहिए तोड़ फोड़ कर दी तब भी उसी जगह पे इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे कि सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है यानी कि प्रॉपर्टी इमोबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है सूट फॉर रिकवरी ऑफ मोबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर द डिस और अटैचमेंट शैल बी इन द कोर्ट विद इन द लोकल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड तो जो अगर रिकवरी ऑफ मोबल प्रॉपर्टी की बात है एक्चुअली अंडर द अटैचमेंट टू एन एम तब भी जो सूट है वो इंस्टीट्यूट होगा उसी कोर्ट में जो कि लोकल लिमिट्स के अंदर है जहाँ पर कि वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो so, ओवरऑल ये पॉइंट ये कहता है कि जहाँ पे इमोबल प्रॉपर्टी से संबंधित सूट की बात है वो वहीं पे आप फाइल करेंगे जहाँ पर कि वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या नियर नियरेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ वेर सूट इज़ टू ऑप्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन फॉर द रॉन्ग टू द इमोबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स द सूट में इंस्टिट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन, एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड जब भी सूट किसी रिलीफ के रिलीफ पाने के लिए है किसी कॉम्पनसेशन के लिए है अगर इमोबल प्रॉपर्टी के साथ कॉम्पन्शन के लिए आप फाइल कर रहे हैं तब आप उसको उस कोर्ट में फाइल करेंगे जहाँ जो कि लोकल लिमिट्स के अंदर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड जो कि सब्जेक्ट मैटर है नेक्स्ट वेर इट इज द लेस्ट टू बी अनसर्टन अनसर्टन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरुडिक्शन ऑफ विच और टू और मोर कोर्ट्स में इमोबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स में इफ़ सेटिसफाइड दैट देर इज़ अ ग्राउंड फॉर एले अनसर्टनिटी रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट मान लीजिए कि अब यही नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं कि भाई दो कोर्ट तो हैं लेकिन अब यही नहीं पता कि इसके जोरिक्शन में पड़ेगा या उसके जरूरडिक्शन में तो सी पी सी ये कहता है कि कोई भी उनमें से कोई भी कोर्ट जो ये सेटिसफाई हो जाता है कि ग्राउंड है इस सूट uh, का तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है और दैट अफेक्ट एंड देर अपॉन प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ द सूट तो फिर वो आगे एक तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और इसमें आगे बढ़ करके उसको हियर करे सूट को और उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है नेक्स्ट वेयर अ सूट इज फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ रॉन्ग डन टू द पर्सन और मोबल प्रॉपर्टी इफ़ द रॉन्ग वॉज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जोरिडिक्शन कोर्ट एंड द डिफेंडेंट रिसाइड और कैरी ऑन बिजनेस और परसनली वर्क फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जोरिडिक्शन ऑफ अनादर कोर्ट द्यूट में भी इंस्टीट्यूट एट ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिव इन आर ऑफ दसान है कि जब भी सूट कॉम्पन्शन का है रॉन्ग डन टू अ मोबल प्रॉपर्टी का है और वो मान लीजिए उसका लोकल लिमिट्स दूसरी जगह लगता है और वो कहीं पर्सनली रह कर के काम हम के संबंध में कहीं और रहता है काम करता है तो वो दूसरी जगह है तो ऐसे केस में सूट किन्हीं भी दोनों में से एक जगह पे फ़ाइल हो सकता है जिस भी जगह को वो प्लेंटिव प्रेफर करेगा यानी ये प्लेंटिव के ऊपर है कि वो ऑप्ट कर सकता है कि कहाँ पे सूट हम फाइल करें जहाँ उसको आसान हो उस सूट को हियरिंग में वहाँ वो कर सकता है आखिरी इम्पोर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ अफोर्स एट इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ लोकलिक्शन द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट वेयर देर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ कन्वेंसमेंट ऑफ सूट एक्चुअली या वॉल्टरली रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन तो पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी सीट इंस्ट, इंस्टीट्यूट होगा किसी जिस भी कोर्ट में वो कोर्ट विदिन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिडिक्शन हो डिफेंडेंट के लिए या इंडिविजुअल डिफेंडेंट्स के लिए अगर एक से ज़्यादा हैं जिस समय वो स्यूट शुरू हो रहा है वो उसी जगह पे करेंगे जहाँ पे कि वो लोग जानबूझ करके वॉलेंट्री रहते हैं या अपना बिजनेस करते हैं या अपने पर्सनल गेन के लिए काम करते हैं तो ये लोकल लिमिट्स उस हिसाब से निर्धारित करना है एंड लास्ट इज एनी ऑफ़ द डिफेंडेंट्स वेर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सूट एक्चुअली और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन प्रोवाइडेड दैट इन सच केस आइदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन द डिफेंडेंट्साइड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनल वर्क फॉर गेन एक्वाइज इन सच इंस्टीट्यूशन तो अगर कोर्ट आपको अलाउ कर देता है कि आप कहीं और सूट फाइल कर सकते हैं देन इट्स ओके अदरवाइज यू हैव टू डू एज इट इज़ मैंशन इन पॉइंट नंबर ए सो दिस वॉज अ ब्रीफ लेक्चर रिगार्डिंग देरी प्रोविजन्स ऑफ सी पी सी एज रिलेडिंग टू द डरिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स हाउ द सिविल कोर्ट्स वर्क सो आई होप आप इसमें समझ गए होंगे कि आप किस तरह से शूट अपनी फाइल कर सकते किस कोर्ट में फ़ाइल कर सकते ये सारी बातें इसमें विस्तारपूर्वक समझाई गई हैं सो कीप लर्निंग बाय फॉर नाव स्टेबलेस्ट